नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में। इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 के आज के सफर में हम आपको लेकर आए हैं मिलेनियम सिटी गुड़गांव में। NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल होने के बाद गुड़गांव के रियल एस्टेट सेक्टर में काफी तेजी देखने को मिल रही है। न सिर्फ कमर्शियल स्पेस बल्कि रेजिडेंशियल स्पेस की डिमांड भी लगातार यहां पर बढ़ती जा रही है। तो आज हम जायजा लेंगे गुड़गांव के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाजार का, आपको दिखाएंगे यहां पर आ रहे बढ़िया प्रोजेक्ट्स और साथ ही जानेंगे कितना पोटेंशियल है गुड़गांव के रियल एस्टेट सेक्टर में। इन सभी बातों पर होगी चर्चा। अपने सफर की शुरुआत करें उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर गुड़गांव की बदलती हुई तस्वीर पर। आज गुड़गांव देश के बड़े आईटी हब के तौर पर तेजी से सामने आया है। बंगलुरु के बाद गुड़गांव दूसरा ऐसा शहर है जो आईटी और आईटीएस कंपनियों को खूब भर रहा है। आज शहर में 500 से भी ज्यादा कंपनियां मौजूद है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में गुड़गांव देश में तीसरे नंबर पर है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आज गुड़गांव दिल्ली या मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज से पीछे नहीं है। यहाँ पर कई बेहतरीन प्राइवेट स्कूल और यूनिवर्सिटीज हैं। आज सड़क, रेल और हवाई यातायात से गुड़गांव बेहतर तरीके से जुड़ चुका है। रैपिड मेट्रो आने के बाद यहां लोकल ट्रांसपोर्ट में भी काफी बदलाव आया है। कमर्शियल स्पेस में जहां पिछले 5 सालों में 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, वहीं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिहाज से गुड़गांव घर खरीदारों के लिए बेहतरीन पसंद बनता जा रहा है। तो ये बात हुई गुड़गांव की, अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जो आज हम आपको दिखाएंगे। गुड़गांव के सेक्टर 78 में रहेजा डेवलपर्स की ओर से बनाया जा रहा है रेवांता हाउसिंग प्रोजेक्ट। अपने आप में काफी खास और यूनिक ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है। बात करें रहेजा डेवलपर्स की तो पिछले 20 सालों में दिल्ली NCR में रियल एस्टेट सेक्टर के कारोबार में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं रहेजा डेवलपर्स। तो आज रेवांता में क्या खूबियां हैं इसका तो हम जायजा लेंगे। इससे पहले आइए डालते हैं एक नजर रहेजा डेवलपर्स के अब तक के सफर पर। दिल्ली NCR के घर खरीदारों के लिए रहेजा डेवलपर्स आज एक विश्वसनीय नाम बन चुका है। पिछले 2 दशकों में रहेजा डेवलपर्स ने 15 के करीब बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी रहेजा डेवलपर्स तेजी से काम कर रहा है। रहेजा डेवलपर्स क्वालिटी, समय पर डिलीवरी और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का खास ख्याल रखता है। इन सभी खूबियों पर खरा उतरने के लिए रहेजा डेवलपर्स के पास एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की टीम मौजूद है। अगले 5 सालों में रहेजा डेवलपर्स का लक्ष्य रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ग्रुप हाउसिंग को बढ़ावा देना है और 2000 के करीब नए घर तैयार करना है। अपने इसी लक्ष्य के तहत रहेजा डेवलपर्स NH-8 के पास गुड़गांव में बना रहा है अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट रेवांता। मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट का ये प्रोजेक्ट 2016 के आखिर तक पूरा हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से रहेजा डेवलपर्स होम बायर्स के लिए एक ट्रस्टवर्दी नाम बन चुके हैं। अब बात करते हैं रहेजा डेवलपर्स के गुड़गांव में बनाए जा रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट रेवांता के बारे में। इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में 2 सेगमेंट में अपार्टमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं, लग्जूरियस और सेमी लग्जूरियस। इस प्रोजेक्ट में जहाँ आपको मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहीं आप इंडिपेंडेंट विलास भी खरीद सकते हैं। चलिए डालते हैं एक नज़र रेवांता की खास खूबियों पर। साइबर सिटी गुड़गांव के सेक्टर 78 में बन रहा है हाउसिंग प्रोजेक्ट रेवांता रहेजा के मुताबिक अब तक का सबसे अलग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। रहेजा डेवलपर्स की ओर से बनाया जा रहा रेवांता गुड़गांव समेत दिल्ली NCR की अब तक की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। इस प्रोजेक्ट में इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के साथ साथ आपको मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट का ऑप्शन भी मिल रहा है। रेवांता को इंटरनेशनल लुक देने के लिए दुबई की कंस्ट्रक्शन कंपनी अरबटेक के साथ करार किया गया है। अरबटेक वही कंपनी है जिसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तैयार करने में काफी काम किया है। बात करें सुविधाओं की तो यहाँ पर टेरिस पर आपके लिए स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं दी जा रही है। इसके अलावा जिम, स्पा, बैडमिंटन कोर्ट जैसी अन्य सुविधाएं भी यहाँ मौजूद होंगी। रेवांता के मल्टी स्टोरी सूर्य टावर में 559 लग्जरी और सेमी लग्जरी फ्लैट्स तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही 232 इंडिपेंडेंट यूनिट्स भी यहां पर बनकर तैयार हो रही हैं। तो आपने देखा किस तरह से हाउसिंग के सेक्टर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर खरा उतरने की कोशिश की जा रही है रहेजा डेवलपर्स की तरफ से। अब वक्त हो गया है रेवांता के सुपर लग्जूरियस अपार्टमेंट का जायजा लेने का। आपको लेकर चलते हैं रेवांता के सुपर लग्जूरियस सैंपल फ्लैट में, जानते हैं किस तरह की डायमेंशन और इंटीरियर डिजाइनिंग यहाँ पर मौजूद है। तो अब हम आगे हैं रेवांता के सुपर लग्जूरियस सैंपल फ्लैट के अंदर और जैसे ही आप इस फ्लैट में एंटर करेंगे तो आपका स्वागत करेगा ये शानदार डाइनिंग एरिया। इस डाइनिंग एरिया की डायमेंशन 13x19 की है। और अगर बात करें इंटीरियर डिजाइनिंग की तो जो फ्लोरिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी इम्पोर्टेड फ्लोरिंग है। खासतौर पर कहा जाए कि इटालियन डिजाइन का रिफ्लेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो आप यहाँ पर पिलर्स देख रहे हैं, लैम्प शेड्स देख रहे हैं, डोर हैंडल्स देख रहे हैं, ये सभी एक्सेसरीज इटालियन लग्जरी ब्रांड वर्सेचे की है। और इसकी खासियत ये है कि ये सभी 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड हैं।
इसके अलावा डाइनिंग एरिया के साथ ही जो सबसे खास फीचर इंस्टॉल किया गया है वो है ये होम ऑटोमेशन सिस्टम। इस होम ऑटोमेशन सिस्टम की मदद से आप अपने घर के किसी भी कोने पर बैठकर अपने टचपैड या स्मार्टफोन से अपने घर को ऑपरेट या कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने मास्टर बेडरूम में बैठे हैं और चाहते हैं कि किड्स बेडरूम की लाइट्स को स्विच ऑफ कर दिया जाए तो आप अपने स्मार्टफोन के जरिए वो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर हाईटेक बनाने की कोशिश यहाँ पर इस पूरे घर को की गई है। तो ये बात हुई डाइनिंग एरिया की, अब बात करते हैं सुपर लग्जूरियस फ्लैट के लिविंग एरिया की। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिविंग एरिया के लिए आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो इस एरिया का डायमेंशन है 24x23 का। सोफा कॉर्नर के लिए एक अच्छी स्पेस यहाँ पर मौजूद है। मूवेबल स्पेस जो कि काफ़ी एक रिक्वायरमेंट रहती है लिविंग एरिया की, वो भी यहाँ पर अच्छी खासी आपको मिल जाएगी। और इस लिविंग एरिया में ही आपको टीवी लाउंज के लिए भी एक अलग से कॉर्नर का स्पेस दिया गया है। इस पूरे अगर लिविंग एरिया की बात की जाए, जो खासियत अगर हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करें तो जो आप यहाँ पर वॉल्स देख रहे हैं, यहाँ पर चिप वर्क किया गया है जो कि अगेन इटालियन लग्जरी कंपनी वर्साचे का ही है। डाइनिंग और लिविंग एरिया के साथ ही आपको मिलता है करीब 450 स्क्वायर फीट का ये ओपन एरिया, जिसे आप रियर गार्डन स्पेस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का ऑप्शन प्राइवेट बिल्डर्स की तरफ से जो घर बनाए जाते हैं उनमें कम ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें रिवांता की तरफ से जो सुपर लग्जूरियस फ्लैट बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर इस फैसिलिटी को एड ऑन बेनिफिट के तौर पर देखा जा सकता है। अब हम आपको लेकर आ गए हैं 9x13 के इस ओपन किचन में, जो कि डाइनिंग एरिया के साथ ही बना हुआ है। किचन की शुरुआत होती है इस ब्रेकफास्ट काउंटर से। आप देख सकते हैं किचन के बिल्कुल पहले एक ब्रेकफास्ट काउंटर बनाया गया है। और अब अगर अंदर किचन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाइट कलर्ड पॉलीमर स्लैब्स यहाँ पर लगाई गई हैं। इस पॉलीमर स्लैब्स की खासियत ये है कि ये स्क्रैच प्रूफ और हीट रेजिस्टेंट है, और इसके साथ ही आपको वॉश बेसिन के लिए भी एक अच्छा स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा इस मॉड्यूलर किचन की जो खासियत है वो ये है कि माइक्रोवेव यहाँ पर इनबिल्ट है, यानी कि आपको माइक्रोवेव के लिए अलग से स्पेस की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर रेफ्रिजरेटर भी इनबिल्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पर मॉड्यूलर किचन की जो खासियत कहा जाए, जो चिमनी यहाँ पर बनाई गई है, मॉड्यूलर स्टोव यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और एक बार फिर से यहाँ पे जो टाइलिंग की गई है उसमें आपको वर्साचे की झलक देखने को मिल जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से रिवांता में किचन, जो कि किसी भी घर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट कॉर्नर होता है, उसमें भी मॉड्यूलर फैसिलिटीज़ दी गई हैं। तो फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको लेकर चलेंगे विवांता के मास्टर बेडरूम और किड्स बेडरूम की ओर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम आपको दिखाते हैं रिवांता के सुपर लग्जूरियस सैंपल फ्लैट का मास्टर बेडरूम। आप देख सकते हैं ये मास्टर बेडरूम है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर है। जो इसकी खासियत की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग के साथ साथ कंसील डक्टेड एसी इंस्टॉल किया गया है। सेंट्रलाइज एसी का ऑप्शन आपको इस तरह के लग्जूरियस अपार्टमेंट में मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बेड साइड की बात करें, जो आप देख सकते हैं जो एक काफ़ी ब्यूटीफुली वॉल यहां पर डिज़ाइन की गई है, इटालियन चिपवर्क का इस्तेमाल यहां पर किया गया है, जो इस पूरे रूम की गेटअप को और भी ज़्यादा इन्हांस कर देती है। इसके अलावा अगर हम दूसरी वॉल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का इमल्शन पेंट का इस्तेमाल नहीं देखने को मिलेगा। सब पर वॉलपेपर चढ़ाया गया है। और साथ ही अब बात करें अगर हम वार्डरोब की, तो वार्डरोब के लिए भी एक एरिया अलग से डेजिग्नेट यहाँ पर किया गया है। काफ़ी इनोवेटिव स्टाइल में वार्डरोब एरिया को यूटिलाइज किया गया है। वार्डरोब के ठीक सामने आपको मिलेगा अटैच बाथरूम, फुल्ली लोडेड बाथरूम यहाँ पर आपको मिलेगा। जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स हैं ये सभी इम्पोर्टेड हैं, चाहे हम बाथटब की बात करें, बेसिन की बात करें। कुल मिलाकर काफ़ी एक डेकोरेटिव तौर पर इस बाथरूम को भी इंस्टॉल्ड और यहाँ पर बनाया गया है। कुल मिलाकर अगर मास्टर बेडरूम की बात करें तो यहाँ पर वो सभी फैसिलिटी मौजूद हैं जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड को एक कदम आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है। मास्टर बेडरूम के बाद अब हम आपको लेकर आ गए हैं किड्स बेडरूम में। इसका डायमेंशन 11x13 का है और देखने में भले ही थोड़ा छोटा दिखे, लेकिन बेहद खूबसूरती से इसे डिज़ाइन किया गया है। जो बेड साइड की वॉल है हमने आपको दिखाया था,
कि मास्टर बेडरूम में चिप वर्क को काफी अच्छे से शोकेस किया गया है, लेकिन अगर हम किड्स बेडरूम की बात करें तो यहाँ पर टाइल वर्क काफी खूबसूरती से किया गया है, साथ ही इटालियन फ्लोरिंग भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और अगर हम बात करें विंडोज की तो यहाँ पर आपको फ्रेंच विंडो भी मिलेगी जो कि इस पूरे रूम को थोड़ा और खुला बनाती है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा मिरर लगाया गया है जो अपने आप में काफी इनोवेशन के तौर पर देखा जा सकता है। एक साइड कॉर्नर यहाँ पर प्लेस किया गया है जिसे आप स्टडी काउंटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एज यूजुअल इस रूम के साथ भी आपको अटैच बाथरूम मिलेगा जहाँ पर सभी इंपोर्टेड सैनिटरी फिटिंग्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड की गई हैं। किड्स बेडरूम के बाद इस 4 BHK सुपर लग्जूरियस सैंपल फ्लैट में हम आपको लेकर आ गए हैं 11x12 के एक और बेडरूम में। इस बेडरूम को अगर आप चाहें तो गेस्ट रूम के तौर पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। देखने में काफ़ी सुंदर इसे डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर जो स्पेशलिटी है, जो एक खास यूनिक यहाँ पर आपको बात दिखेगी, वो दिखेगा इसकी थीम, ब्लैक एंड वाइट थीम पर इसको डिज़ाइन किया गया है। फ्लोरिंग की बात करें तो इटालियन मार्बल टाइल्स यहाँ पर लगाई गई हैं। वहीं अगर हम बैक साइड वॉल की बात करें तो यहाँ पर आपको पूरा वाइट कलर टाइल्स दिखाई देंगी। साथ ही साथ यहाँ पर फ्रेंच विंडो का ऑप्शन भी मौजूद है। और साथ ही अगर बात करें वार्डरोब की तो वार्डरोब का एरिया भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन उसी जिस तरह से हमने देखा था मास्टर बेडरूम में कॉम्पैक्ट वार्डरोब एरिया डेजिग्नेट किया गया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एरिया डिज़ाइन किया गया है। और साथ ही एज यूजुअल सभी कमरों के साथ यहाँ पर भी आपको अटैच बाथरूम का ऑप्शन मिलेगा। तो रिवांता के इस लग्जूरियस फ्लैट में किस तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज मौजूद है, क्या है खूबियाँ, इसका जायजा हमने लिया। बात करते हैं किस प्राइस रेंज में आप यहाँ पर अपनी पसंद का अपार्टमेंट्स खरीद सकते हैं। शुरुआत करते हैं लग्जरी अपार्टमेंट से। इस लग्जरी सेगमेंट में आपको 3 और 4 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा। और बात करें कीमत की तो इसके लिए आपको 3 करोड़ रुपए से लेकर 4.5 करोड़ रुपए तक की कीमत चुकानी पड़ेगी। लग्जरी के बाद अगर हम सेमी लग्जरी फ्लैट्स की बात करें तो इस सेगमेंट में आपको 2 BHK से लेकर 5 BHK तक का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर कीमत की बात करें तो इसके लिए आपको 1.5 करोड़ रुपये से लेकर 3 करोड़ रुपए की कीमत चुकानी होगी। तो कुल मिलाकर अब पसंद आपकी है, बजट आपका है कि आपके बजट में कौन सा अपार्टमेंट फिट बैठता है जो आप अपने लिए खरीद सकते हैं इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में। फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे रहेजा डेवलपर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नयन रहेजा। जानेंगे नयन से और क्या खास खूबी है जो इस रिवांता हाउसिंग प्रोजेक्ट को बनाती है अपने में बेहद खास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब मेरे साथ है नयन रहेजा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेजा डेवलपर्स। नयन बहुत बहुत स्वागत है इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। थैंक यू वेरी मच। नयन, आपसे जानना चाहेंगे रिवांता अब तक की कहा जाए सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग गुड़गांव में, क्या खासियत है, क्या अलग है होम बायर्स के लिए इसमें? जी, अगर शुरुआत से बात करें तो रिवांता का आइडिया ही सबसे पहले शुरुआत में अलग था। हमारा सबसे पहला इंटेंशन था इसको एक ऐसी जगह बनाएं जो कि आपको ऐसे लगे ही ना कि आप इंडिया की किसी कम्युनिटी में रह रहे हैं। एक इंटरनेशनल लाइफस्टाइल के लिए कम्युनिटी बनाई जा रही है। तो एक तरफ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका सबसे ऊंची बिल्डिंग गुड़गांव की तकरीबन 56 फ्लोर्स की बिल्डिंग बन रही है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपके टाउन होम्स हैं जो कि G+3, G+4 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, उन लोगों के लिए जो ज़मीन के थोड़ा नज़दीक रहना पसंद करते हैं और ये उनके लिए जो आसमान की ऊँचाइयों को छूना चाहते हैं। तो इस तरह का प्रोजेक्ट डिवाइस किया गया है। मोटा मोटा बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे जो लोगों को दी जाएंगी। एक अल्ट्रा मॉडर्न क्लब हाउस है। अगर टावर के क्लब हाउस की बात करें तो 56 फ्लोर पे एक हेलीपैड दिया जा रहा है, और 46 फ्लोर पे हमारा क्लब हाउस है और एक स्काई डेक बन रहा है। तो आपका एक इन्फिनिटी पूल 46 फ्लोर के ऊपर बन रहा है, और क्लब हाउस और स्पा सौना स्टीम सारी फैसिलिटीज़ आपकी वहीं पर आसमान में होंगी एक तरह से। आसपास इसके 2-3 गोल्फ कोर्सेज हैं, 5-स्टार होटल्स हैं, तो एक बहुत खूबसूरत व्यू भी आपको चारों तरफ से दिखाई पड़ेगा। जो खास बात मुझे अभी तक दिखाई दे रही है वो ये है कि इसकी डिजाइनिंग और जिस तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, जर्मन टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और खास बात ये भी कि यहाँ पर जो लेबर है वो भी बाहर से यहाँ पर आए हैं। तो किस तरह का कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज हो रहा है, ट्रस्टवर्दी जिसे होम बायर्स के लिए कहा जा सके? तो इसमें एक जब हमने शुरू किया डिजाइन और इसका पूरा कॉन्सेप्चुलाइजेशन प्रोजेक्ट का, तो हमने सोचा यार इसको इंडिया में, अगर इंडिया से बाहर की कोई चीज़ बनानी है तो बाहर से ही लोग लाने पड़ेंगे।
तो सबसे पहला जो हमने इसके ऊपर कदम उठाया कि हमारे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं जो कि आपकी बिल्डिंग की पूरा डिज़ाइन करके सॉलिड बनाते हैं, जो कि आपका स्टील कंक्रीट सारा कुछ स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग करते हैं, और एमईपी डिज़ाइनर्स भी हम लेके आए थॉर्नटन टॉमसेटी अमेरिका से। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स दी हैं, चाहे पेट्रोनस टावर हो, टाइपे 101 हो, और अभी प्रेजेंटली 1 किलोमीटर ऊँची बिल्डिंग बन रही है बहरेन में, तो ये भी इन्होंने ही डिज़ाइन की है। तो ये तो बात हुई डिज़ाइनर्स की, और दूसरी तरफ से हम मिडल ईस्ट की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिन्होंने आपका बुर्ज खलीफा बनाया है, आधे से ज़्यादा दुबई इन्हीं लोगों ने बनाया है, तो उनको हमने सोचा कि इनको लेके आते हैं, क्योंकि ये ही वो हैं जो यहाँ पे ऊंची बिल्डिंग्स बना पाएंगे हमारे साथ मिलके, और एक तरीके का एक कम्फर्ट फैक्टर भी दे पाएंगे लोगों को कि वो एक ऊंची बिल्डिंग में रह रहे हैं बट ये स्ट्रक्चरली सेफ भी है और एकदम मॉडर्न तकनीक से बनाई गई है। तो मॉडर्न के साथ साथ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी का भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम गुड़गांव की बात करें, काफ़ी तेज़ी से उभरता हुआ शहर है, कमर्शियल स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी अच्छी डिमांड मिल रही है। अगर हम रेवांता की बात करें तो एक टारगेट कस्टमर्स कौन है इसके? टारगेट कस्टमर्स आप देखेंगे हमारे पास मिनिस्टर लोग से लेके आपके सीनियर जितने भी सीईओ लेवल, सीएफओ, सीएमओ लेवल पीपल, इंटरनेशनल कंपनीज के लेके जो भी आपको हाई प्रोफाइल लोग मिलेंगे, मतलब आप सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल्स लोग के लोगों की बात करें और बिजनेसमैन लोगों की बात करें, तो इस तरह के लोग हैं जो कि जिन्होंने हमसे यहाँ खरीदा है। एनआरआई इन्वेस्टर बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने दुबई से, सिंगापुर से इन्वेस्ट किया है, जो कि वापस मूव करना चाहते हैं इंडिया में, बट दे ओनली वांट टू सिर्फ ऐसी जगह पे रहना चाहते हैं जो कि एक इंटरनेशनल लेवल की हो, तो इसलिए वो रेवांता में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम एनआरआई की बात करें तो काफी ज्यादा डिमांड गुड़गांव के रियल एस्टेट सेक्टर में देखी जा रही है उनकी तरफ से। ओवरऑल कितना पोटेंशियल आप गुड़गांव के रियल एस्टेट बाजार में देखते हैं? एक अच्छे प्रोडक्ट के लिए, एक अच्छी लोकेशन के लिए और एक बेहतरीन बिल्डर नाम के लिए कभी भी मार्केट स्लो नहीं होती है। तो अगर इस प्रोजेक्ट की भी बात करें तो जब से लॉन्च हुआ है और अब तक हर साल तकरीबन 20-25% इसमें इजाफा आया है प्राइसेस के अंदर, और हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे स्ट्रक्चर ऊपर जाता जाएगा ये और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। पोटेंशियल कितना है अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें गुड़गांव के रियल एस्टेट सेक्टर में, कितना पोटेंशियल आप देख रहे हो? खासतौर पर अगर मैं अप्रिसिएशन की बात करें, चाहे हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहें या फिर खुद घर रहने के लिए घर खरीदना चाहें, तो अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अप्रिसिएशन आप कहीं पर भी देखेंगे गुड़गांव में, आप बेकार से बेकार लोकेशन या बेकार से बेकार बिल्डर का भी देखेंगे 10% तक अप्रिसिएशन होता ही है, और अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए, अच्छी लोकेशन के लिए, अच्छे बिल्डर के लिए तो 20-30% तो आपका नॉर्मल है अप्रिसिएशन वैल्यू में बढ़ना हर साल। तो और ये हमारा मानना है कि ये बढ़ता रहेगा अगले इतने साल तक, क्योंकि 2.5 करोड़ घर की शॉर्टेज है इस वक्त हिंदुस्तान में। अब ये यही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट गुड़गांव में हो रहा है, बेंगलोर में हो रहा है, नोएडा में हो रहा है, तो अल्टीमेटली तो यही केटर कर रहे हैं उस मार्केट को, तो ये ग्रोथ तो बढ़ता रहेगा, और एक तरह से ये एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर भी बन चुका है लोगों के लिए, तो लोग इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, उनको इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा है। तो आपने रेवांता के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमारे कंज्यूमर्स तक आपने दे दी। अगर हम आपके फ्यूचर एक्सपेंशन की बात करें, रहेजा डेवलपर्स की बात करें, तो आने वाले समय में कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स आप दूसरे शहरों में भी ला रहे हैं? फिलहाल हमारा फोकस दिल्ली में और गुड़गांव में है। अभी हमारा काम चल रहा है एक ऐसे प्रोजेक्ट पे दिल्ली में जो कि दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत होगी और दिल्ली का सबसे पहला स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट भी होगा। आपका फोकस ऊंची इमारत बनाने पर ही क्यों है? लाइक गुड़गांव में सबसे पहली ऊंची इमारत रहेजा की तरफ से बनाई जा रही है, दिल्ली में भी अब आपका फ्यूचर एक्सपेंशन है कि एक ऊंची इमारत बनाई जाए, तो ऊंची इमारत लाइक हाई राइज बिल्डिंग का ट्रेंड ज्यादा देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरह का ट्रेंड आपके सामने? आप इसको कह सकते हैं, खैर गुड़गांव में तो एक ये ब्रांडिंग एक्सरसाइज आप कह सकते हैं, पर दिल्ली के अंदर तो ये एक ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि दिल्ली इतना ज़्यादा टाइट और कंजस्टेड है कि आपको अगर ऊपर जाएंगे तभी आपको थोड़ा बहुत देखने को आसपास मिलेगा, नहीं तो आप एक दूसरे की बालकनी देखते रह जाएंगे। तो दिल्ली का सबसे पहला स्लम रिहाब प्रोजेक्ट जो है वो भी मैंने आपको बताया, वहाँ पे 15,000 लोग हैं जिनको कि नए मकान भी बना के दिए जाएंगे इसके साथ साथ। गुड़गांव में और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, टाउनशिप्स हैं, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं, 200-300 एकड़ की टाउनशिप्स हैं जो कि अभी जल्द ही लॉन्च होने वाली हैं, तो फ्यूचर एक्सपेंशन अभी फ़िलहाल इसी दिशा में बढ़ रहा है। दूसरी तरफ से जिस तरह से अरबटेक है या थॉर्नटन टॉमसेटी है, तीसरा रेवांता रॉयल्टी में हमने स्पेशल एडिशन अपार्टमेंट्स लॉन्च किए हैं, उसके अंदर हम सारा वर्साचे के फिटिंग्स यूज़ कर रहे हैं, तो सारे इटालियन ब्रांडेड फिटिंग्स है, टाइल्स है, कुछ भी आप देखेंगे सब टॉप ऑफ द लाइन, इससे बढ़िया आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी कोई भी चीज़। तो उस तरह की चीज़ें
और आ रही हैं और आगे भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम करते रहेंगे। तो नैन, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रिवांता और आपके दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये थे रहेजा डेवलपर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नैन रहेजा, जिन्होंने बताया कि रिवांता किस तरह से आपको एक इंटरनेशनल फीलिंग के साथ आपके लाइफ स्टाइल का पूरा नजरिया बदल देगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले हफ्ते आपसे एक बार फिर से होगी मुलाकात एक नए डेस्टिनेशन और नए प्रोजेक्ट्स के साथ। नमस्कार।